नमस्कार। हरियाणा के मुख्य समाचारों के 25 खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमें कहां कहां से देख पा रहे हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट और अपना नाम जरूर लिखिएगा। और एक गुजारिश, यदि आप पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिएगा। हरियाणा के करनाल जिला सचिवालय में बुधवार को पुलिस वालों की गुंडागर्दी देखने को मिली है। SP कार्यालय के बाहर से बाप बेटी को 6 पुलिसकर्मियों ने फिल्मी स्टाइल में उठा लिया। तीसरी मंजिल से जबरन उठाकर सीढ़ियों से घसीटते हुए नीचे ले गए। इसी दौरान दोनों रोते हुए एक ही बात कह रहे थे कि एक बार SP साहब से मिल लेने दो, लेकिन पुलिस वालों के कानों पर जू तक नहीं रहेगी। बल्कि वे दोनों को नीचे खड़ी पुलिस की प्राइवेट गाड़ी में जबरदस्ती डालकर ले गए। दोपहर के समय सचिवालय में SP गंगाराम पूनिया से मिलने वालों की भीड़ जमा थी। इनके बीच कुरुक्षेत्र की बाप बेटी भी अपनी फरियाद लेकर पहुंचे थे। हिसार जिले में सीम फ्लाइंग की टीम ने बुधवार को दिल्ली रोड पर एक फैक्ट्री में छापेमारी की है। टीम ने वहां से 700 किलो के करीब नकली घी व बनाने का सामान जब्त किया है। टीम ने यहां से घी के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब में भिजवा दिए हैं। फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में दिल्ली जयपुर हाईवे पर कार सवार बदमाशों ने कंपनी कर्मचारी से लूटपाट की। कार सवारों ने कर्मचारी को पहले अपनी गाड़ी में गुरुग्राम तक छोड़ने की बात कहकर बैठाया और फिर कुछ दूर जाने पर गन पॉइंट पर उससे सब कुछ लूट लिया। बदमाशों ने ATM कार्ड जबरन छीनकर पासवर्ड पूछा और खाते से 35,000 की नकदी भी निकाल ली। दारूहेड़ा थाना पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। करनाल में जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम लैब अब खुल चुकी है। प्रौद्योगिकी से सरकारी विभागों के डेटाबेस कार्य को मैपिंग में लेकर उसे आसान बनाने के मकसद से अब GIS लैब वर्क स्टेशन की स्थापना हो चुकी है। शहर के सेक्टर 12 स्थित लघु सचिवालय द्वितीय खंड के प्रथम तल पर बुधवार को उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने लैब का दौरा किया और यहां मौजूद प्रोजेक्ट फेलो रोहित पांडे से इसकी जानकारी ली। रेवाड़ी जिले में एक महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। वारदात को अंजाम देने वाले दोनों आरोपी महिला के गांव के ही रहने वाले हैं, जिन्होंने पीड़ित को दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित बनीपुर चौक से घर से ले जाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठाया था। उसके बाद पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर महिला को पिला दिया, फिर से उसे एक सुनसान जगह पर बने कोठड़े में ले गए। वहां आरोपी ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। बावल थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हिसार जिले के जाखल से 4 दिन पहले गायब हुए दो दोस्तों के शव पंजाब के मानसा जिले के गांव झनीर में भाखड़ा नहर से मिले हैं। इस बार में पंजाब पुलिस ने जाखल पुलिस को सूचना दी है। जाखल के नई बस्ती वासी 22 वर्षीय मोंटे और मनीष 26 सितंबर को संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गए थे। परिजनों ने आरोप लगाया है कि दोनों की हत्या करके शवों को नहर में फेंका गया। पुलिस के अनुसार दोनों मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि दोनों युवकों के साथ आखिर हुआ क्या था। दिल्ली से सटे हरियाणा के पलवल जिले में बुधवार की सुबह एक ही घर से 5 शव बरामद हुए हैं। परिवार के मुखिया फंदे पर झूलता मिला, जबकि उसकी पत्नी 3 बच्चों के शव फर्श पर पड़े थे। शुरुआती जांच के अनुसार परिवार के मुखिया ने पत्नी और बच्चों को जहर देने के बाद फंदा लगाकर खुदकुशी की है। पलवल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। यह घटना औरंगाबाद की है। मृतकों की पहचान 33 वर्षीय, 30 वर्षीय, 7 वर्षीय और 9 वर्षीय के और 11 वर्षीय के तौर पर हुई है। सरपंच ने इस बाबत सूचना पुलिस को दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री गडकरी ने पंजाब में चल रहे सियासी भूचाल व सिद्धू के इस्तीफे को लेकर कहा कि सिद्धू टूरिस्ट पॉलिटिशियन है जो कई पार्टियों में अभी तक घूम चुके हैं। CM ने बुधवार को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद SYL का पानी हरियाणा को दिए जाने की पीड़ा बयां की। साथ ही एक बार फिर से उन्होंने पंजाब के पूर्व CM व वरिष्ठ नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह को राष्ट्रवादी कहा। CM ने मोरनी व आसपास के ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि इस क्षेत्र के विकास, सड़कों, बिजली, पानी, मोबाइल नेट, पेट्रोल पंप आदि सभी को लेकर काम चल रहा है। कुरुक्षेत्र, धान की खरीद शुरू होने से किसान व आर्थिक परेशान हैं। थानेसर राजमंडी में हालात बिगड़ने लगे हैं। फर्ज से लेकर सड़कों तक हर तरफ धान नजर आ रहा है। मंडी में हजारों क्विंटल धान पहुंच चुका है। धान की सरकारी खरीद शुरू किए जाने की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन के बैंदरदली किसान मेला को सचिवालय पर पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। जिला के लघु सचिवालय में पुलिस अधीक्षक से मिलने एक महिला ने जहरीला पदार्थ निगल लिया। उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। दरअसल कैथल के हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया है। वहीं महिला का कहना था कि वह अपनी शिकायत को लेकर पुलिस अधीक्षक के पास गई थी, मगर उसकी बात नहीं सुनी। इस कारण मजबूरन उसे ऐसा कदम उठाना पड़ा।
हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र में स्टेडियम का रखरखाव और उसका मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश के विकास पंचायत विभाग ने खेल विभाग के साथ मिलकर आगे बढ़कर तैयारी शुरू कर दी है। प्रत्येक जिला के लिए एक ग्रामीण खेल स्टेडियम को मनरेगा के तहत किए जाने वाले कार्यों से आगामी एक माह में मॉडल तौर पर सुदृढ़ सुंदर बनाया जाएगा। जो भी मॉडल सर्वश्रेष्ठ होगा उसके अनुसार पूरे राज्य के ग्रामीण स्टेडियमों को तैयार किया जाएगा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बुधवार को हरियाणा निवास में विकास पंचायत विभाग और खेल युवा मामले अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की। कंबाइन से धान की फसल काटते वक्त प्यास लगने पर नलकूप में रखे कीटनाशक डिब्बे में पानी भरकर पीने से किसान की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया है और जांच शुरू कर दी है। बीजेपी नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह का मानना है कि किसान संगठनों से बातचीत के लिए ये बहुत उपयुक्त समय है और माहौल है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर बार बार कह रहे हैं कि बातचीत के लिए सरकार दरवाजे खुले हैं, लेकिन किसान संगठनों को बातचीत का बुलावा नहीं आ रहा। यदि सरकार के बुलाने पर किसान संगठन नहीं आते तो गलती उनकी है। किसान संगठनों की दलील है कि हम भी बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें बुलावा तक नहीं मिल रहा। हरियाणा की मनोहर सरकार ने सीटेट और एसटेट को लेकर बड़ा फैसला किया है। दोनों परीक्षाओं को सरकार ने बराबर कर लिया है। सरकार के फैसले के मुताबिक अब सीटेट के प्रमाण पत्र को एसटेट के बराबर माना जाएगा। इसको लेकर आदेश भी जारी किए गए हैं। एलनाबाद उपचुनाव की तारीख ऐलान होने के बाद सियासत गर्मा गई है। हरियाणा लोकहित पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविंद कांडा ने एलनाबाद सीट से दावेदारी जताई है। गोविंद कांडा का कहना है कि सिरसा के विकास के लिए पार्टी सुप्रीमो भाई गोपाल कांडा ने बीजेपी को समर्थन दिया है। बीजेपी अगर चाहेगी तो हरियाणा लोकहित पार्टी पर उम्मीदवार उतारेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी उन्हें टिकट देगी तो वे मैदान में उतरेंगे और जीत का परचम लहराएंगे। कोरोना वैक्सीन को लेकर लगातार गड़बड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। बहादुरगढ़ में भी एक ऐसा मामला है जहां पर एक महिला को मौत के बाद वैक्सीन लगा दी गई है। फाइनल सर्टिफिकेट भी तैयार हो गया है। फोन पर वैक्सीन लगने का मैसेज आने के बाद परिजन भी हैरान है। परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग को शिकायत दी है। अधिकारी ने मामले की गंभीरता बरतते हुए कार्रवाई की जो बात है वो कही है। भद्रगढ़ इलाके में मानवता और मां की ममता को शर्मसार करने का मामला सामने आया, जहां पर जन्म के बाद ही नवजात शिशु को पहचान छिपाने के मकसद से फेंक दिया गया। शिशु को कुत्तों ने बुरी तरह से नोच डाला, केवल गर्दन ही बाकी रह गई। क्षत विक्षत होने के कारण लड़का लड़की का भी पहचान नहीं हो पाई। पुलिस ने शव नागरिक हॉस्पिटल में रखवा दिया है। माठोडी चौकी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। हरियाणा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर को गुरुग्राम में राज्य स्तरीय रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा जिला स्तर पर भी कार्यक्रमों का आयोजन होगा। ये जानकारी पंचकुला में हरियाणा के खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह ने अध्यक्षता में एक आयोजित बैठक के दौरान दी गई है। एक कृषि प्रधान राज्य में स्पोर्ट्स हब बनने के लिए अब हरियाणा पसंदीदा पर्यटन केंद्र के तौर पर जाना जाएगा। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु पंचकुला को पर्यटन की दृष्टि से एक नया केंद्र बनाने की परिकल्पना के मद्देनजर तैयार की गई व्यापक योजना के तहत मुख्यमंत्री खट्टर ने मोरनी के टिकट ताल में विभिन्न साप्ताहिक साहसिक खेल गतिविधियों जैसे पैरासेल्सिंग, पैरामोटर, जेट स्कूटर का उद्घाटन किया है। हरियाणा सरकार के निर्देशों के मुताबिक 30 सितंबर तक जिला में आयुष्मान आपके द्वार पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके तहत सभी अटल सेवा केंद्रों, सीएससी, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सूचीबद्ध सभी सरकारी व निजी हॉस्पिटलों में मुफ्त में आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिसके लिए लाभार्थी को कोई भी पैसा नहीं देना होगा। जहां पर जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का सालाना मुफ्त इलाज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयुष्मान आपके द्वार पखवाड़ा मनाया जा रहा है। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर बीते 27 सितंबर को भारत बंद का आह्वान संयुक्त किसान मोर्चा ने किया है। 15 अक्टूबर को रोहतक में संयुक्त मोर्चा मुजफ्फरनगर की तर्ज पर किसान महापंचायत का आयोजन होगा। कार्यक्रम मकड़ोली टोल प्लाजा पर है, क्योंकि यहां भी जिले में सबसे पहले किसान धरना शुरू किया था। हालांकि मदीना टोल प्लाजा भी किसान निरंतर धरने पर बैठे, लेकिन मदीना का धरना मकड़ोली के बाद परम हुआ था। डब्बाली स्टेडियम कार्यालय के परिसर में हरियाणा किसान एकता के नेतृत्व में दर्जनों गांव के किसानों ने बारिश के जलभराव से बर्बाद हुई फसल व गुलाबी सुंडी के नुकसान के बाद नरमे की फसल चौपट होने पर उचित मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत की है। वहीं पर किसानों की ओर से बीजेपी सरकार व प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। स्थिति को देखते हुए नियंत्रण में रखने के लिए पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। फिलहाल हरियाणा के फटाफट 25 खबरों में आज के लिए इतना ही। आप अगर पहली बार चैनल पर आए हैं और हमारे साथ जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिएगा। आपको बुलेटिन कैसा लगता है अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जाकर आप भेज सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।